الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. शान देखो मेरे नबी की हर एक पारे में तासीरा है जहाँ मोहम्मद वहाँ खुदा है हर एक पारे में तासीरा है जाना महुआ बार मुबारक बाशदी बज़्म में जाना में हुआ बार मुबारक बाशद बज़्म में जाना में हुआ बार मुबारक बाशद इल्तिफाते निगहे यार मुबारक बाशद साये अहमदे साये अहमदे मुख्तार मुबारक बाशद साये अहमदे मुख्तार मुबारक बाशद साये अहमदे मुख्तार मुबारक बाशद अहमदे मुख्तार साये अहमदे मुख्तार साये अहमद मुख्तार साये अहमद अहमद यूं तो क्या क्या नजर नहीं आता यूं तो क्या क्या नजर नहीं आता कोई तुम सा नजर नहीं आता कोई तुम सा नजर नहीं आता कोई तुम सा नजर नहीं आता खुश बाशद राहे ईश आराम सुकून कर दूं बना में सैयदे
कौनैन आगाज़े जुनू कर दऊं। या रसूल अल्लाह तेरी सूरत से नहीं मिलती है किसी की सूरत, अरे हम जहां में तेरी तस्वीर लिए फिरते हैं। कमली वाले मोहम्मद नक्शा तेरा दिल, सारी तारे मदीना नक्शा तेरा दिल कश है। पैमा ने पैमाना लागे
महे मैदत के प्यासों को है गुल सितान सुखन में जो इंतेखाब का फूल है गुल सितान सुखन में जो इंतेखाब का फूल है गुल सितान सुखन में जो इंतेखाब का फूल है गुल सितान सुखन में जो इंतेखाब का फूल बना हुआ है मेरी नात की किताब का फूल। अल्लाह तबारक व तआला
قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں ضرور اس میں اضافہ فرماؤں گا ولئن کفرتم ان عذابی لشدید اور اگر تم ناشکری نافرمانی کرو تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ حاضرین محترم، وقت کا تقاضا ہے اور قرآن کا بھی حکم ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں اس چیز کو اختیار کرنا جس سے ہمارا پروردگار راضی ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی کا خوف اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت و محبت کو اختیار کرنے کے لیے لازم ہے کہ ان دونوں کی اطاعت و فرما برداری کو اختیار کریں، کیونکہ ناشکری یہ سب سے بری چیز ہے۔ اس چیز کو چھوڑنا ہر مسلمان کی، ہر بندے مومن کی ذمہ داری ہے۔ جتنی ہم ناشکری کریں گے اتنے ہی نافرمان بنیں گے۔ اللہ رب العزت بندوں کو نعمتیں عطا فرماتا ہے، کوئی بندہ اس کی فرما برداری کو اختیار کرے یا نہ کرے، لیکن نعمتیں ہر کسی کو عطا کرتا ہے۔ تو ان نعمتوں پر جو جتنا شکر ادا کرے گا ان نعمتوں میں اور اتنا ہی اضافہ ہوگا۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته أجمعين، أما بعد، فقد قال سبحانه وتعالى في القرآن المجيد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العلی العظیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه افضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم۔ قابل صد احترام، فصیح ملت حضرت العلامہ مولانا محمد فصیح الدین نظامی صاحب قبلہ مد ذلہ العالی، محتمیم کتب خانہ جامعہ نظامیہ، شہزادہ مفتی اعظم حضرت العلامہ حافظ قاری اسماعیل ہاشمی صاحب قبلہ مد ذلہ العالی، شیخ طریقت حضرت خواجہ سید ابو تراب قادری صاحب قبلہ زاد اللہ عمرہ و ورعہ، صاحب سجادہ حضرت العلامہ مولانا خواجہ شیخ امان اللہ قادری چشتی صاحب قبلہ مد ذلہ العالی و خلفائے
सिलसिले कादरिया व चिश्तिया व बिरादरान तरीकत, मौजूद हाजरीन व सामईन, मैंने जिस आयाए तैयबा की तिलावत का शर्फ हासिल किया, इसमें खिताब अहले ईमान से है और सबसे पहले इसमें तकवे की बात कही गई, उसके बाद सादिकीन की सोहबत को इख्तियार करने का हुक्म दिया गया। ईमान अल्लाह की वहदानियत, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रिसालत, दिलो जुबान से, अगर दिल से हो तो तस्दीक, जुबान से हो तो इकरार, जब ये हो जाए तो ईमान होता है। और ईमान के बाद तकवा है, तकवे के दर्जात हैं। सबसे कम तरीन दर्जा ये है कि शिर्क से बचें। फिर उसके बाद का दर्जा है अवामिर पर अमल पैरा रहें और नवाही से इज्तनाब करें। फिर उसके बाद का जो आला तरीन दर्जा है मकरूहात से भी इज्तनाब करें और इस्तेहबाब का एहतमाम करें। बावजूद इसके ईमान भी होता है, तकवा भी होता है, ये कोई जमानत नहीं है। हमारी जिंदगी में इसीलिए अल्लाह तबारक व ताला ने ईमान रखने वाले और तकवा रखने वाले, हमां चाहे वो अदना हो के आला तकवा रखें, उनके लिए फरमाया कि तुम सादिकीन की सोहबत को इख्तियार करो। हाजिर ने मोहतरम, ये कितना बड़ा अल्लाह का फजल है कि हमें ये समझा दिया कि ना तो ईमान, ना तकवे पे गुरूर करें, ना फखर करें, ना मुबाहात करें। क्यों? क्योंकि ये शैतान हमें कभी भी अपने नरगे में ला सकता है। अगर हमारी हिफाजत है तो बस सादिकीन की सोहबत में है। हमारा ईमान भी सलामत रहेगा, हमारा तकवा भी सलामत रहेगा उस वक्त जब हम सादिकीन की सोहबत में रहेंगे। क्योंकि शैतान यहां अपना दम नहीं मार सकता, इसलिए फरमाया गया कि सालिहीन की सोहबत में रहो, इसी को मुसाहबत कहते हैं। हजरत शेख अहमद सरहिंदी मुजद्दिद अल्फसानी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं, हजरत सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु को जो मुर्शिद मिले उसके बाद दुनिया में मेरे मुर्शिद की तरह कोई मुर्शिद मैंने नहीं देखा। वो कौन थे? हजरत बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह। और सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु के पीर और मुर्शिद कौन थे? मेरे आका हुजूर अहमद मुस्तफा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, ये सोहबतें हमें इस बात की तरफ दावत दे रही हैं कि चाहे जमाना कैसा ही क्यों ना हो, हालात कैसे ही क्यों ना हो, इनकी सोहबत को इख्तियार करो। हर जमाने में ये शैतान एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है, नए नए नित नए शक्ल और सूरतों में हमारी जिंदगी में दाखिल होकर हमें आफात में, मसाइब में, मुश्किलात में मुब्तला करने की कोशिश कर रहा है। सिर्फ वाहिद हल यही है कि हम सालिहीन की सोहबत को इख्तियार करें। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, दौरे हाजिर में सालिहीन से नफरत दिलाई जा रही है। याद रखो, नफरत दूर की बात है। मैं नफरत की यहाँ मौजू को नहीं छेड़ता, लेकिन मोहब्बत का एक तखाजा बयान करता हूँ। हजरत बायजीद रहमतुल्लाह ताला अलैह के जमाने में जब ये तशरीफ ला रहे थे, एक अजनबी शख्स जिसको मालूम नहीं था कि बायजीद बुस्तामी कौन है, किस जाते वाला का नाम है, किस मर्द आहिम का नाम है, वो नहीं जानता था। सिर्फ उसको इतना मालूम था कि एक अल्लाह का वली है। बस इसी गर्ज से वो उनके दीदार के लिए आया।
वो दीदार कर लिया और चला भी गया, उसको मालूम भी नहीं और मफहूम भी उसको वाज़े नहीं हुआ, लेकिन उसकी गर्ज इतनी ही थी कि वो अल्लाह के वली का दीदार करे। और उसका इंतकाल हुआ, देखने वालों ने ख्वाब में देखा और उससे पूछा कि तेरा मामला क्या है, तो उसने कहा कि मेरी जिंदगी में तो मेरा कोई अमल काम नहीं आया, हाँ एक छोटा सा मेरा अमल था, वो ये था कि मैं एक वली की जियारत के लिए गया था, वही काम आया और मुझे अल्लाह ने उसके सदके में जन्नत में दाखिल फरमाया। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि तुम अपने अंदर इतनी ताकत नहीं रखते कि अपने ईमान और तकवे की हिफाजत करो, लिहाजा उसके पास चले जाओ जो पहले से हिफाजत किया हुआ है, वो खुद भी महफूज है, तुमको भी महफूज कर देगा, तुम्हारे ईमान को महफूज कर देगा, तुम्हारे तकवे को महफूज कर देगा। इसीलिए बड़े बड़े उलमाए कराम सुफिया कराम की खदमत में आते थे और अपने अकीदे रासिका को उनकी सोहबत बाफैज में रहकर महफूज कर दिया करते। तो मन आश फी ज़ाहिर रसूल फहुआ सुन्नी, फिर दूसरी तारीफ एक हमारे सामने आती है, वमन आश फी बातिन रसूल, ये जुमले ये कलमात ये तर्ज कलाम ये उसलूब बता रहा है कि हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की ज़ात मुबारक की दो कैफियतें, दो पहलू हैं, एक का नाम जाहिर है दूसरे का बातिन है, पहले का ताल्लुक जाहिर से है दूसरे का ताल्लुक बातिन से है, और जो जाहिर पर अमल करता है तो सुन्नी कहलाता है और जो बातिनी अहवाल पर अमल करता है तो वो सुन्नी नहीं बल्कि सूफी कहलाता है। तो जाहिर का भी एहतमाम है इस्लाम में और बातिन का भी एहतमाम है। जाहिर का एहतमाम अल्लाह तबारक व तआला ने उलमाए दीन से किया और बातिन का एहतमाम अहवाल रसूल का एहतमाम अल्लाह तबारक व तआला ने औरफाए वक्त से किया, आरिफीन से किया। तो हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की ये विरासत अल्हम्दुलिल्लाह अरब से होते हुए अजम में आई और अजम में चिटगोप्पा तक आई, फिर यहाँ से हलकट्टा भी गई, वहाँ से फिर कहाँ कहाँ जा रही है वो अहले सिलसिला खूब जानते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला का ये बड़ा एहसान है कि उसने हमें उन लोगों से वाबस्ता किया जो उसके दरबार में रसा हैं, जो उसके दरबार में पहुंचे हुए हैं, जो उससे मिले हुए हैं, जो उसके महबूब हैं, मर्दूद नहीं है। और दुआ भी हम यही करते हैं कि अल्लाह अपने महबूबों के रास्ते पर चला, अपने मकबूलों के रास्ते पर चला और उन लोगों के रास्ते से बचा जो तेरे मगजूब हैं, जिन पर तेरा गजब नाजिल हुआ। नमाज में तो कुछ लोग इकरार करते हैं, बाहर निकलते कहते हैं कि हमको जरूरत नहीं है, जो नमाज में कह रहे थे वो सही था या फिर बाहर आप जो फरमा रहे हैं वो सही है, दोनों में से कोई एक सही होना चाहिए। अहले सुन्नत के पास, अहले दिल के पास, अहले इरफान के पास एक ही बात होती है, काल हाल के मुताबिक, हाल खाल के मुताबिक। इकरार बिल लिसान भी है और तस्दीक बिल कल भी है, इसलिए अहले सुन्नत का इल्म ना अनकबूती होता है, न बिल्कुल मकड़ी के जाले की तरह कमजोर, ना नमली होता है चूंटी की तरह जो कुछ देर के लिए 3 महीने के लिए 6 महीने के लिए जमा करती है उसके बाद ख़त्म, फिर इधर उधर टटोलने की नौबत आती है, बल्कि अहले सुन्नत का जो इल्म होता है वो नहली इल्म होता है, बिल्कुल मीठा शीरी। इसीलिए सूफियाए किराम के पास चूंकि शीरी जबान होती है, मोहब्बत वाले जुमले होते हैं, इनकी खिदमत में माशाल्लाह हर कोई आता है और फैस लेके जाता है। महबूब इलाही निज़ामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में लोग बड़ी दूर दूर से आते थे, एक साहब को देखकर न जाने क्या हुआ, उन्होंने कहा कि सब ढकोसला, ये सब तमाशे हैं, देखें आज मैं महबूब इलाही को आजमाता हूँ। चलते चलते उन्होंने
रास्ते से एक चुटकी मट्टी उठाई, मट्टी पुड़िया में बांध लिया और जेब में रख के आगे बैठ गए। देखें कि अब इसके मुतालिक क्या फरमाते हैं। वो तो रास्ते से उठा के आए थे मट्टी। अब मुख्तलिफ लोग, कोई दुआ ले रहा है, कोई तावीज़ ले रहा है, कोई शरीयत का मसला पूछ रहा है, कोई फतवा पूछ रहा है, कोई दम करा रहा है, कोई कुछ करा रहा है, कुछ करा रहा है, सब लोग खानकाह में ख़त्म हो गए। वही साहब बाकी रह गए। जो मुंतजमीन खानकाह थे उन्होंने कहा कि साहब क्या है, आपका भी मामला पेश कीजिए। तो हज़रत ने फरमाया उनके पेश करने से पहले कि भाई उनको रहने दो, वो तो हमारे लिए तोहफा लेके आए हैं। जब ये हज़रत निज़ामुद्दीन महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह का मामला देखा तो फौरन खदमों पे गिरा, गिर कर कहा कि महबूब इलाही, मान लिया कि वाकई आप महबूब इलाही हैं। तो जो महबूब इलाही होता है उसके हाथ में बंदों के कुलूब दे दिए जाते हैं, वो अहवाल का जानने वाला हो जाता है। इसलिए उसे आलिम बिल्ला नहीं बल्कि आरिफ बिल्लाह कहते हैं। तो आलिम ये सिफत का जानने वाला और आरिफ जात का जानने वाला। अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे ही एक आरिफ के आस्तानी पर हमको जमा फरमाया, जो अपने नाम से भी करीम है, काम से भी करीम है, जाम से भी करीम। जाम करीमी पीने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह 86 साल से यहाँ लोग आ रहे हैं, ताकियाम क़ियामत आते रहेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से तौहीद का और मारिफत का और इरफान का जाम पीते रहेंगे। अल्लाह कुछ रहे या न रहे पर ये दुआ है कि अमीन, कुछ रहे या न रहे पर ये दुआ है कि अमीन, कुछ रहे या न रहे पर ये दुआ है अमीर, नजा के वक्त सलामत मेरा ईमान रहे, नजा के वक्त सलामत मेरा ईमान रहे, कुछ रहे या ना रहे, कुछ रहे या न रहे पर ये दुआ है के अमीर, कुछ रहे या न रहे पर ये दुआ है के अमीर, नजा के वक्त सलामत मेरा ईमान रहे, या मुस्तफा या मुज्तबा, या मुस्तफा या मुज्तबा, या रहमतल आलमी, या मुस्तफा कमली वाले मेरा बाज़े पे करे जमाल
कमली वाले मेरा ख्याल रखो, कमली वाले, कमली वाले मोहम्मद, कमली वाले मेरे प्यारे मोहम्मद, कमली वाले, कमली वाले मोहम्मद, कमली वाले मेरा ख्याल रखो, कमली वाले मेरा ख्याल रखो, कमली वाले मेरा ख्याल रखो, कमली वाले मेरा ख्याल रखो। कोई तुम सा कहीं जनाब नहीं, कोई तुम सा कहीं जनाब नहीं, कोई तुम सा कहीं जनाब नहीं, कोई सानी नहीं जवाब नहीं, कोई सानी नहीं जवाब नहीं, लाज इरफान के दरिया में मुझको एक गोता लगा कर छोड़ दी, इरफान के दरिया में मुझको एक गोता लगा कर छोड़ दी, इरफान के दरिया में दिए करम के जलाने हुजूर दिए करम के जलाने हुजूर आए हैं, दिए करम के जलाने हुजूर आए हैं, बिगड़ी बनाने हुजूर आए हैं। मुझसे हो तेरा फसाना या करीम अल्लाह, हजारों बे ठिकानों का ठिकाना या करीम अल्लाह, बयां क्या मुझसे होते रा फसाना या करीम अल्लाह, हजारों बे ठिकानों का ठिकाना या करीम अल्लाह, गुजारी जिसने सारी जिंदगी शान फकीरी में, आया है ये सबूत आशिकाना या करीम अल्लाह, आया है
ये सबूते आशिकाना या करीम अल्लाह। हमारे आँख ने जब भी तुम्हारा आस्ता देखा, हमारे आँख ने जब भी तुम्हारा आस्ता देखा, कहा ये झूम कर दिल ने जमी पर आसमां देखा, कहा ये झूम कर दिल ने जमी पर आसमां देखा, तुम्हारे ही करम ने तो हमारी जिंदगी बदली, तुम्हारे ही करम ने तो हमारी जिंदगी बदली, जमाने भर में तुम जैसा न कोई मैं है। या खुदा जब जब के मेरे जिस्म में जान रहे, तुझ पे सदके तेरे महबूब पे कुर्बान रहे, तुझ पे सदके तेरे महबूब पे कुर्बान रहे। कुछ रहे या न रहे पर ये दुआ है क्या नदा के वक्त सलामत मेरा ईमान रहे, नदा के वक्त सलामत मेरा ईमान रहे। जो याद मुस्तफा से दिल को बहलाया नहीं करते और हकीकत में वो लुत्फ़े जिंदगी पाया नहीं करते, हकीकत में वो लुत्फ़े जिंदगी पाया नहीं करते। अरे वो ना समझ कुर्बान हो जाए इनके रोजे पर, ये लम्हे जिंदगी में बार बार आया नहीं करते, लम्हे जिंदगी में बार बार आया नहीं करते। तो हमारी दुनिया बदल के रख दी नजर का मिलना,
जीनते यासी तुई जेबाए शे अली अली
منم غلام علی آزار و جام گرامی فدا بنام علی علی کو کیسے میں مولا کائنات کہوں علی کو کیسے میں علی کو کیسے میں مولا کائنات کہوں علی کو کیسے میں مولا کائنات کہوں بڑا کائنات چھوٹی ہے بڑا ہے نام علی کائنات چھوٹی ہے کچھ اس طرح وہ عبادت کو عام کرتے ہیں سجود ان کی گلی میں قیام کرتے ہیں سجود ان کی گلی میں قیام کرتے ہیں سجود ان کی گلی کہا خدا نے بنا کے علی کے جنت کو کہا کہا خدا نے بنا کے علی کو جنت کو اسے بھی ہم تیرے بچوں کے نام کرتے ہیں جفا و جور کیا جفا و جور کیا یا وفا ہوا سو ہوا تسکین قلب و جان ہے دعوت کریم کی تسکین قلب و جان ہے دعوت کریم کی تسکین قلب و جان ہے دعوت خدیر کی اللہ سے ملاتی ہے نسبت خدیر کی اللہ سے ملاتی ہے نسبت خدیر ہے گنج بخش بندہ نواز و وطن کا فیض جو بات بندہ نواز و وطن کا فیض ہے گنج بخش بندہ نواز و وطن کا فیض لطف کریم اسے ہوئی شہرت خدیر کی میرے پیر و مرشد میرے پیر و مرشد میرے شیخ و رہبر میرا دین و ایمان تم ہی ہو تم ہی ہست نابود دوئی آیا
सुहानी रात थी फूल की सौरंग मौला के हार रानी चढ़ी रसूल की सौरंग मौला के हार रानी चढ़ी रसूल की सौरंग मौला के आत रानी जली रसूल की सौरंग मौला के हाथ जिसकी चूदर तुम रंग दियो सौ धन धनवा के भाग आज रंगी है ए وسلم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا تقبل منا الفاتحة الى حضرة النبي محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى في شان عظمة حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا نبينا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله